तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने, या जनरली जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करने। वो है सैमसंग M51 का जो कैमरा सिस्टम है, उसमें जो है आपको प्रो मोड मिल जाता है। अब प्रो मोड क्या है और किस तरीके से यूज़ करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली आपको आज मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ उससे जो है एक कंटेंट क्रिएटर को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले तो प्रो मोड के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं बता देना चाहूँगा कि प्रो मोड जो है वो एसेंशली होता है फॉर प्रोफेशनल यूज़, जनरली इफ़ आई कैन यूज़ अ जेनेरिक टर्म। अब प्रो मोड में कई चीज़ें होती हैं, ISO, शटर स्पीड, एपर्चर, वाइट बैलेंस, फोकस, और भी बहुत चीज़ें होती है डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल कैमरा और अ प्रोफेशनल DSLR कैमरा। हमारे M51 में वी हैव गॉट ISO, शटर स्पीड, फोकस और वाइट बैलेंस। अब इन चारों का क्या मतलब है और किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं टू मेक एन इमेज, आइए आपको बाहर चल के दिखाते हैं। थोड़ा सा शायद आवाज़ बाहर ट्रैफिक वगैरह की हो, मैनेज करिएगा, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा विद द M51 एंड द प्रो मोड। सो दोस्तों, जैसे आप कैमरा ऐप खोलोगे, सॉरी अगर आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही हो, बिकॉज़ मैं बाहर हूँ ऑफकोर्स, बालकनी में आपको दिखाना था मुझे एग्ज़ाम्पल। तो जैसे आप कैमरा ऐप खोलोगे और प्रो मोड में चले जाओगे, तो आप देखोगे सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल मोड में जैसे जाते हो तो आपको जो है कैमरा ये बिल्कुल नॉर्मली आपको दिखाएगा, ठीक है, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिकली जो है सारा एक्सपोजर अपना मेंटेन करता है। अब ये जो टेडी बियर है ये मेरा सब्जेक्ट है, तो ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं चला जाऊँगा सबसे पहले स्वाइप करके प्रो मोड में। अब प्रो मोड में जाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो वाइट हो चुका है, विच मीन्स इट्स ओवर एक्सपोज्ड। अब सबसे पहले जो है मैं ISO एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके अपने ISO को जो है मैं करूँगा चेंज। सबसे पहले तो मैं कर दूँगा इसको जितना लो हो सकता है उतना लो, ठीक है, 50 कर दिया मैंने, बिकॉज जितना लो होगा ISO उतना नॉइज़ आपकी इमेज में कम होगा, नॉइज़ मतलब ग्रेन्स कम होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शटर स्पीड। अब शटर स्पीड का मतलब मैंने जैसे आपको बताया है कि एक कर्टन होती है, एक विंडो छोटा सा समझ लीजिए, वो खुला होगा जितना देर आपका ये जो शटर स्पीड है वो रहेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/1/125 है, अगर मैं क्लोज आके आपको दिखाऊं, विच एसेंशियली मीन्स 1/125 सेकंड के लिए, 1/125 सेकंड्स के लिए आपका शटर जो है खुला रहेगा, विच मीन्स वेरी वेरी क्विक, समझ रहे हैं आप, वेरी वेरी क्विक जो है वो शटर खुला रहेगा। अगर ये शटर है तो जितनी देर शटर खुला रहेगा उतनी देर जो है लाइट आपके जो है सेंसर पे, कैमरा सेंसर पे आएगी। तो 1/125 फॉर एग्जांपल यहाँ रखा हुआ, इसको मैं अगर बढ़ा दूंगा तो आप देख सकते हो इमेज जो है एकदम डार्क हो गई है, या एकदम मैं कम कर दूंगा तो इमेज जो है मेरी ओवर एक्सपोज हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है डिजिटल फोटोग्राफी की, कि आप जब शटर स्पीड फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कर रहे हो तो आपकी इमेज जो है आपको दिख रही है कि प्रॉपरली एक्सपोज्ड कहाँ हो रही है। प्रॉपरली एक्सपोज्ड कैसे है पता चलेगा, वो दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो आपका यहाँ पे एक्सपोजर मीटर हो, जो कि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है प्रो मोड में मोबाइल फ़ोन्स में, स्पेशली ऑन द M51। और दूसरी चीज़ है आप आँखों से देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी इमेज जो है कब प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1/125 सेकंड्स पे जो है मुझे लग रहा है मेरी इमेज प्रॉपरली एक्सपोज्ड है, या मैं अगर 1/90, 1/60 कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो EV जो लिखा हुआ है यहाँ पे -0.2 या +0.2 है, विच मीन्स थोड़ा सा प्लस मीन्स थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है, माइनस मीन्स थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है। आइडियली आई वुड लाइक टू कीप इट एट 0.0, बट दैट्स आइडियल सिचुएशन। मैं जनरली थोड़ा सा जो है इसको अंडर एक्सपोज रखना पसंद करता हूँ, बिकॉज उससे होता क्या है, जब आप एडिटिंग करते हो फॉर एग्जांपल स्नैपसीड में, आप फिर डिटेल्स जो है निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। तो EV -0.3 पे छोड़ दिया मैंने। अगली चीज़ है मेरी फोकस, ऑटो फोकस कर सकते हो, टैप कर लोगे तो ऑटो फोकस हो जाएगा। मैनुअल फोकस अगर करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा आप किस तरीके से जो है फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप स्वाइप करोगे राइट लेफ्ट तो आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है या आपका सब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ फोकस जा रहा है। एक्सट्रीम राइट में मैं चला गया,
या यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में जब आप आओगे तो आप देखोगे वो इमेज जो है आपकी फोकस में आ चुकी है, सब्जेक्ट फोकस में आ चुका है। यही चीज़ अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट चला जाऊँगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। अब हर सब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका कैमरा से उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट जो है कब फोकस में आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया फोकस में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं चार जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोकस हो गया, उसके बाद आपका ISO स्पीड हो गया। ISO स्पीड का मतलब है मेरी नॉइज़ कितनी आएगी। तो जनरली ISO सबसे लो आपको रखना है बिकॉज़ नॉइज़ आपको सबसे कम चाहिए आपकी इमेज में। अगर मैं ISO बढ़ा दूंगा तो नॉइज़ जो है मेरी बहुत बढ़ जाएगी और साथ साथ आप देख रहे हो इमेज भी ब्राइट हो रही है। तो एक तरीका इमेज को ब्राइट करने का है कि आप ISO बढ़ा दें, बट दिन के टाइम में अगर आप ISO बढ़ाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता आपका। और रात के टाइम में भी मैं जनरली जो है 400 ISO से ऊपर नहीं जाता हूँ, बिकॉज़ उससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो नॉइज़ जो है मेरी इमेज में आ जाती है। तो इस केस में सिंस मैं दिन में अभी 8-9 बजे शूट कर रहा हूँ तो ISO 50 रखूँगा। अगला चीज़ जो मैंने बताया आपको वो है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड मैं मेनटेन करूँगा इस हिसाब से कि मेरा जो ये EV है, देख रहे हैं आप EV एक्सपोजर वैल्यू, वो 0.0 रहे, या इन my case आई ट्राइड लाइक टू कीप इट अ लिटिल नेगेटिव में, अंडर एक्सपोज। क्यों? क्योंकि एडिटिंग में जो है मुझे बाद में फ़ायदा होता है। अगली चीज़ आ जाती है आपकी फोकस। अब इस प्रो मोड में M51 के प्रो मोड में आपको जो है क्या नहीं दिखने वाला, इसमें आपको एपर्चर वैल्यू नहीं दिखने वाली, बिकॉज इस फ़ोन में जो है M51 में एपर्चर जो होल होता है लेंस में, लेंस है उसमें होल होता है, जितना बड़ा होल होगा उतनी लाइट आपकी आएगी, जितना छोटा होल होगा उतनी कम लाइट आपके सब्जेक्ट में आएगी। एंड एज अ रिज़ल्ट बैकग्राउंड ब्लर जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में लेंस प्रोवाइड करता है, ना कि पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड तो एसेंशियली जो बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करता है वो फेक होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, बट एपर्चर जो आपके लेंस में जो एक्चुअल में होल होता है दैट इज़ कॉल्ड एपर्चर। वो एपर्चर जो है वो मैन्युअली कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो सैमसंग अपने M सीरीज़ के फ़ोन्स में या M51 में एटलीस्ट नहीं देता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है वो, बिकॉज़ लाइट अगर आपकी ज़्यादा है और मैंने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ISO अपना सबसे मिनिमम कर दिया है क्योंकि इमेज में मेरे को मिनिमम ग्रेन चाहिए, शटर स्पीड भी मैंने एकदम बढ़ा दिया है सो दैट मेरा एक्सपोजर परफेक्ट हो, फोकस भी मैंने कर लिया, उसके बावजूद भी अगर मेरी इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो एक आखिरी चीज़ जो बचती है प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए वो है एपर्चर, जो कि इसमें नहीं है। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दिस इज़ अ बजट फ़ोन, मिड लेवल फ़ोन, तो इसमें शायद मैनुअल कंट्रोल एपर्चर का सैमसंग ने नहीं दिया है। तो वो एपर्चर आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास उस तरह का फ़ोन है, बट फिलहाल इसमें जो है मेरे को अगर मैं मैनुअल मोड प्रो मोड में चला जाऊँ तो मुझे सिर्फ ISO, शटर स्पीड, EV जो कि एक्सपोजर वैल्यू है, और फोकस, ये चार चीज़ें मिल जाता है। स्पीड मतलब शटर स्पीड है, उसको कंफ्यूज़ मत कीजिएगा। शटर स्पीड अगर मैं एकदम कम कर दूंगा ना तो इमेज ब्राइट हो रही है वो तो है ही है, बट आपका जो है इमेज में शेक भी आ जाएगा, बिकॉज़ आप समझिए शटर स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना जो है शार्प इमेज, उतनी स्टेबल इमेज आएगी, स्पेशली अगर आप हैंड होल्ड कर रहे हैं। अब कई तरीके की इमेज आप ले सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटरफॉल के इमेजेस देखे होंगे आपने, जहाँ पे पानी जो है बहता हुआ दिखता है, एक ड्रीमी इमेज दिखती है, वो इसलिए होती है दोस्तों बिकॉज उसका जो शटर स्पीड है वो कहीं ना कहीं 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 4 सेकेंड तक होता है, बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिर आप हैंड होल्ड नहीं कर सकते इमेज, आपको या तो ट्राईपॉड में रखना होगा या ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे आपका फ़ोन स्टेबल हो, सो दैट 4 सेकेंड तक जब आपका शटर खुला हो तो हाथ में आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिलेगा, और अगर हिलता है तो आपकी इमेज जो है अनस्टेबल हो जाएगी, शेकी हो जाएगी। तो इस वजह से जो है शटर स्पीड का काम यही है कि अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसी इमेज चाहिए जो कि फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी जा रही है या कोई इंसान दौड़ रहा है या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड भी उड़ रहा है तो उसका मेरे को फ़ोटो चाहिए, तो मैं शटर स्पीड को जो है बढ़ा दूंगा, फिर आप हैंड होल्ड कर सकते हैं। बट अगर मेरा शटर स्पीड एक लिमिट से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/8 सेकेंड है, 1/6 सेकेंड्स है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, या इवन 1 or 2 सेकेंड्स है, तो आपको जो है फ़ोन को अपने ट्राईपॉड में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी इमेज जो है शेकी आ जाएगी। इस केस में मैंने कर लिया यहाँ पे, और थोड़ा भी आप मूव करते हैं ना आगे पीछे तो आपको फोकस जो है दोबारा चेक करना पड़ेगा। इस केस में अगर ऑटो फोकस है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ऑटो फोकस नहीं है देन इट्स गोइंग टू क्रिएट एन इशू। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लॉक सा बन के आ रहा है,
वो लॉक अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑटो फोकस जो है लॉक हो गया है, अब मेरा फोकस हिलने नहीं वाला। हाँ, अगर मैं फ़ोन हिलाऊंगा तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जो है मेरा फोकस हिलेगा, बट एक पर्टिकुलर एंगल में मुझे पता है कि यहीं से मुझे शूट करना है तो मैं फोकस जो है लॉक कर सकता हूँ। दोबारा टैप कर दोगे तो ये जो है फोकस अनलॉक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रो मोड में आप कर सकते हैं। अब प्रो मोड आपको यूज़ करके ही जो है आप परफेक्शनिस्ट आप बनोगे। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप प्रो मोड को यूज़ कर सकते हो, बट मेजर चीज़ें जो हैं वो ISO, शटर स्पीड और फोकस है M51 में। अब एपर्चर कंट्रोल हो सकता है, वाइट बैलेंस कंट्रोल हो सकता है, वो इसमें मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, वाइट बैलेंस का कंट्रोल ज़रूर है लास्ट में। वाइट बैलेंस का आप देखिए ऐसा है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट जाओगे तो आपकी इमेज जो है ब्लू हो गई, मतलब कूल टोन में चला गया, और एक्सट्रीम राइट जाएंगे तो आपकी इमेज जो है येलो टोन में चली गई, मतलब एकदम वार्म इमेज हो गई। तो इसको बीच में मैं कहीं रखूँगा। एक आई बॉल, मतलब आँखों से जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो मैं जनरली रखता हूँ। कई बार आप ऑटो वाइट बैलेंस रख सकते हैं, बट ऑटो वाइट बैलेंस का चक्कर ये है कि कई बार जो है वो जनरली ठीक ठाक से वाइट बैलेंस नहीं करता है। तो 5500K, मतलब 5500 केल्विन जो सनलाइट का जो वाइट बैलेंस है वो मैं जनरली रखना पसंद करता हूँ इफ़ आई एम शूटिंग आउटडोर्स। तो दिस इज़ हाउ यू जनरली शूट इन प्रो मोड। एक बहुत ही कोशिश मैंने करी है कि बहुत ही डिटेल में आपको बताऊं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई एंड सॉल्व योर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रो मोड, बिकॉज प्रो मोड का ऐसा है कि अगर आप प्रो मोड में शूट करना जानते हैं तो नॉर्मल मोड में या ऑटो मोड में शूट करना इज़ नेवर गोइंग टू बी एन इशू विथ यू। दिस इज़ द प्रो मोड ऑफ द सैमसंग M51। आशा करता हूँ जो मैंने बताया आपको समझ आया हो, नहीं भी आया हो बिकॉज प्रो मोड इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, और सिर्फ एक वीडियो से या एक 9-10 मिनट के वीडियो से समझना शायद मुश्किल हो। समझोगे कब? व्हेन यू गो आउट एंड एक्चुअली शूट यूजिंग द प्रो मोड ऑफ द M51। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं rather than just point and click। Point and click करने में कोई problem नहीं है, but if you are somebody जो कि एक knowledgeable photographer बनना चाहता है या वो चाहता है कि मैं समझूं before I take a picture, then I think pro mode of the M51 is the best place to start। कोई भी सवाल है नीचे छोड़िएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर सवाल का जो भी प्रो मोड से संबंधित है विद द M51 उनका जवाब दूँ, सो दैट यू गाइज गेट टू लर्न मोर, गेट टू लर्न द ट्रिक ऑफ हाउ टू बी अ बेटर फोटोग्राफर। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।